आज यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव करने आया हमारे अडॉप्टेड विलेज में जो कि हंजाना है। तो आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी ज़्यादा हमारे प्रोफेसर्स भी हमारे साथ ही हैं, प्रिंसिपल सर भी साथ ही हैं और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं एनएसएस यूनिट के, वो सभी आ रहे हैं। तो अभी आपको बताते हैं हम कैसे प्लांटेशन ड्राइव करेंगे यहाँ पे। प्रोफेसर्स भी साथ ही हैं और हम अभी पहुँचने वाले हैं और आप पीछे से व्यू देख सकते हैं। काफ़ी दूर है, हम काफ़ी टाइम से वॉक कर रहे हैं, मतलब 5 मिनट से। पीछे देखिए सबकी क्या हालत हो रही है। यहाँ का पंचायत घर है हंजाना का। अब जब हम प्लांटेशन करेंगे फिर आपको दिखाते हैं आगे का। पंचायत घर की हालत ये है और अब हम जब इसे पूरा डेवलप करेंगे, मीन्स थोड़ा टाइम तो लगेगा बट इस ब्लॉग के एंड में हो सकता है ना पता चल पाए, लेकिन अगले कुछ ब्लॉग्स में पता चल जाएगा कि इसकी हालत क्या रहेगी। इसलिए देखते रहिए, जुड़े रहिए, आगे का ब्लॉग आप थोड़ी देर तक पता चल जाएगा मतलब आपको अभी थोड़ी देर में, बट हमें थोड़ा टाइम लगेगा। सर भी हमारी हेल्प कर रहे हैं इसमें, आप देख सकते हैं। देखिए कौन पसीना है, सर भी हम प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं और पेड़ अब ना लगे तो हमें बहुत दुख होता है। प्लीज पेड़ मत काटिए, बहुत दुख होता है। मैं अब ऑक्सीजन की कमी बहुत, उधर भी इसको भी दिखा रहा हूं। सभी जगह प्लांटेशन ड्राइव चल रही है, लीजिए ना लीजिए। प्लास्टिक्स भी साथ साथ में उठा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमें प्लास्टिक यहाँ पे ही फेंकना है, प्लास्टिक्स भी साथ में उठा लेना। गुप्ता एंड गुरजीत सर एंड अदर स्टूडेंट्स, इनाम सर, प्लांटिंग ट्रान। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत गर्मी है लेकिन हम तब भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी होगा पीछे हम उसको ये सजेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पे आए, उसकी सफाई वगैरह करे, उसको टाइम टू टाइम पानी देता रहे। ऑब्वियसली हम चेक करने आएंगे विद इन 1 मंथ,
हम चेक हाँ, करेंगे कि हाँ. यहाँ पे पानी अच्छे से दिया जा रहा है. हम भी ट्राई करेंगे कि अगर हम यहाँ पे विजिट कर सकते हैं तो हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे. होप सो कि वो अच्छे से पानी देंगे और अच्छे से टेक केयर करेंगे. ठीक है. हमारा बोले मतलब हम यही करना चाहते हैं कि प्लांट्स हों अच्छा सा, मतलब एरिया भी क्लीन हो, अच्छा लगे. जो हम प्लांट्स यहाँ पे लगा रहे हैं उसकी केयर करी जाए बाद में. हम तो यही एक्सेप्ट करके जाते हैं कि मतलब यहाँ पे होगा कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस आएंगे इस एरिया में, जहाँ तक जो अभी तक नहीं आई थी. अभी हमने हमारे टीम के कुछ बॉयज़ ने बहुत दूर जाके पानी भी लाया है, तो हम लोग पानी करने तो प्लांटेशन ड्राइव आए थे, बट गन देख के हमें लगा क्लीनिनेस ड्राइव भी जरूरी है यहाँ पे. इसलिए अभी थोड़ा सा हम ड्रग डी एडिक्शन का भी बीच में ऐड कर रहे हैं, तो प्लीज आप देख लीजिए. बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल. जितने भी यंगस्टर्स हैं वो अपने आप को खुश करने के लिए और अपने एहसास को बेहतर करने के लिए वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि हम जानते हैं कि ड्रग्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ड्रग्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो उनको छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है. क्योंकि ड्रग्स ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हमारा दिमाग जो है वो ड्रग का आदी हो जाता है. और हमारा जो दिमाग है वो इस तरह से बना है इंसानों का कि वो उन्हीं चीज़ों को बार बार एहसास करने की कोशिश करता है जो उन्हें खुशी देती है. तो जब भी कोई इंसान किसी ड्रग का इस्तेमाल करता है, जो हालांकि जो केमिकल्स जो ड्रग्स के हैं उनका इस्तेमाल करता है, तो जो ड्रग्स के बीच में जो कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं वो केमिकल्स हमारे खून के बहाव के थ्रू हमारे दिमाग तक पहुँचते हैं. और हमारे दिमाग तक पहुँचने के बाद हमारे दिमाग के कुछ हिस्से जो कि हमारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, उन हिस्सों को जो ड्रग्स के केमिकल्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं. अब जितना ज़्यादा कोई इंसान ड्रग का केमिकल का इस्तेमाल करता है, उसके दिमाग में एक डोपामिन नाम का केमिकल है जिसे साइंसदान कहते हैं, उसका जो कंसंट्रेशन है वो दिमाग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. अब इस केमिकल की वजह से ये होता है कि वो लोग जो हैं उस चीज़ को बार बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं और उस खुशी को और उस एक्सपीरियंस को बार. मैं पंचायत अंजाना ठाकरा से वार्ड नंबर दो की वार्ड मेंबर बोल रही हूँ. मेरा नाम श्रीमती डाली शर्मा है. आज हमारे सरपंच साहब यहाँ पर किसी काम से बिजी थे, तो इसीलिए हम हमारे वार्ड मेंबर यहाँ आए. तो हमारी पंचायत में कुछ अवेयरनेस कैंप रखा गया था, जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहरा की तरफ से, जिन्होंने हमारे पंचायत में आकर हमारे लोगों को अवेयर किया है ड्रग्स वगैरह के बारे में. तो साथ में प्लांटेशन करवाई है यहाँ पर पंचायत कर अंजाना ठाकरा में, और कुछ आगे भी प्लांटेशन के बारे में इन्होंने बताया है. जो हम आपके नियर अबाउट स्कूल, आपके कम्प्लेक्स में स्कूल है, वहाँ पर हम प्लांटेशन करेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स में. टेक कॉलेज का अलॉन्ग विद जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं श्री प्रोफेसर इनाम सर और गुरजीत सर भी साथ में आए हुए हैं. तो आज यहाँ पे हमारा आने का अंजाना विलेज में आने का यही मकसद था कि यहाँ पे जो पंचायत घर है, जहाँ पे एक तो हमने प्लांटेशन की है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे सैनिटाइज़ अपने जो है, जहाँ पे कुछ हमने देखा प्लास्टिक वगैरह कुछ पड़ा हुआ था वो भी हमने साफ़ किया है, कुछ जो अनवांटेड प्लांट्स वगैरह जहाँ पे थे उनको रिमूव किया है, और जहाँ पे हमने प्लांट्स लगाए हैं. और इन फ्यूचर भी हमने ये प्लान किया है कि इस विलेज को, क्योंकि NSS ने अडॉप्ट किया है, तो टाइम टू टाइम हमारे जो NSS के वॉलंटियर्स हैं वो सारे इस विलेज में विजिट करते रहेंगे, प्लांटेशन ड्राइव्स भी करेंगे, स्वच्छता का प्रोग्राम भी यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा और लोगों की अवेयरनेस भी की जाएगी. जैसे आज भी कुछ लोगों को अवेयर करने के लिए, ड्रग डी एडिक्शन के लिए अवेयर किया है, जिसमें लोगों को ये बताया है कि ड्रग्स जो हैं वो किसी भी कंडीशन में हम लोगों को कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसको हमें गाइड करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि इसके क्या क्या नुकसान हैं हमारी फैमिली के लिए, हमारी अपनी हेल्थ के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए. तो ये लोगों को अवेयर करना है. हमने हमारा जो मेन मकसद है जहाँ का अडॉप्ट करने का विलेज हो, वो यही है कि इन लोगों को हम अवेयर करें, जो बुराइयाँ हैं वो जहाँ से निकल जाएँ और ये लोग एक अच्छे पाथ पे चलें और इस विलेज की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो. जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में इन लोगों को अवेयर किया जाए. जहाँ के जो सरपंच हैं या पंच मैम हैं, तो ये लोग तो टाइम टू टाइम इनको अवेयर करते ही रहते हैं, बट इन एडिशन टू दैट हमारे जो कॉलेज के बच्चे हैं वो भी इस काम में शामिल हो जाएंगे
सो दैट कि आने वाले टाइम में ये एक अच्छा विलेज जो है वो साबित हो पाए। थैंक यू। अभी हम वापस जा रहे हैं कॉलेज, तो प्लांटेशन ड्राइव हो चुकी है हमारी कंप्लीट, थोड़ी सी क्लीनिनेस ड्राइव भी हो गई थी। हाँ। आप देख सकते हैं हमारे पास एक पेपर बैग फुल ऑफ वेस्ट हम वहाँ से इकट्ठा करके ला रहे हैं। जो जो सामान हमने वहाँ पे यूज किया है उसको वेस्ट हमने ऐसे नहीं फेंका है, उसको हमने कलेक्ट करके हम एक जगह डंप कर देंगे जहाँ पे वेस्ट की कलेक्शन होती है। तो हमने देखो मतलब एक अच्छा मैसेज जाता है कि हमने किसी और बैग के अलावा हमने पेपर बैग का यूज किया है जो कि इजिली जो है बाद में डिग्रेड हो जाएगा। अभी देखो जी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं कितने अवेयर हैं और कितने डेडिकेटेड हैं, देखो वहाँ से सारा सामान साथ लेके जा रहे हैं। हाँ। ऐसा ही हर बंदे को बनना चाहिए। हाँ। अगर हम लोग कुछ करेंगे तो अच्छा मैसेज आएगा, इसलिए जो जो हमें देख रहा है या जो भी हमें सुन रहा है उसके लिए यही मैसेज है कि वो लोग भी अपने एरिया को क्लीन करें, अच्छे अच्छे स्टेप्स लें ताकि दूसरे लोग भी अवेयर हों। थैंक यू। हाँ जी डेफिनेटली। देखो अगर हम बात करते हैं कि जैसे मोदी जी कर रहे हैं, कहते हैं ना हमें कि सबसे बड़ी बीमारी क्या है, हमें हम बोलते हैं कि हमें स्वच्छता अभियान हम अपने घर से स्टार्ट नहीं करते। अगर इसकी बात करें, अगर हमने यहाँ हंजाना में आके पंचायत घर में हमने प्रोग्राम किया है, तो हमने देखो बच्चे ऐसे हैं कि वहाँ से सामान लेके साथ जा रहे हैं, इसलिए डस्टबिन में डालेंगे, तो हम क्या करते हैं अपने घर में सफाई करते हैं, बाहर डाल देते हैं। देख रहे हैं ये रास्ते में भी थोड़ा सा कूड़ा पड़ा हुआ था, वो भी उठाते उठाते ही जा रहे हैं हमारे पीके जी। हमने इस विलेज को अडॉप्ट किया है, ये नहीं है कि आज के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, हम नेक्स्ट जब तक मतलब हम लोग हैं हम लोग ट्राई कर रहे हैं। विलेज हमने अडॉप्ट किया है, इसके पार्टी पोर्शन हमारा ही काम, हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग और जगह प्लेसेस को विजिट करें, वहाँ के एरिया को देखें, मतलब जो हमसे हो सकता है हम लोग करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग वापस आ चुके हैं अपने कॉलेज, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत ग्रोथ भी किया, कुछ सीखा भी कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज का दिन बहुत टफ था हमारे लिए। हाँ आज हमने फर्स्ट टाइम जो है विजिट किया किसी एरिया को, जैसे कि आप देख सकते हो हम अभी कॉलेज में, आज हमारा दिन बहुत ही एडवेंचरस रहा था जहाँ पे हमने विजिट किया और अच्छे से काम किया, और अब हम अपने कॉलेज आए और कॉलेज वाले हमें यहाँ पे रिफ्रेशमेंट देने वाले हैं और वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम रिफ्रेशमेंट लेकर अपने अपने घर जाएंगे कि कब गर्म गर्म कुछ आएगा, हम लोग खाएंगे और हम लोग जाएंगे।